वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दिल्ली वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विश्व कप के 5 मैचेस खेले जाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। लश ग्रीन ग्राउंड है और ऊपर ब्लू, उसके साथ ग्रीन चेयर्स का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो 11 अक्टूबर को यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाना है, लेकिन 7 अक्टूबर से विश्व कप के अभियान की शुरुआत हो जाएगी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच मैच के साथ। अगर ग्राउंड की हम बात करें तो ग्राउंड को काफ़ी सजाया गया है यहाँ पर विश्व कप के लिहाज से। कुर्सियाँ अगर हम देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 35,000 से ज़्यादा चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं। दर्शकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। स्टैंड्स में आप देख सकते हैं कि बदलाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा पहले जब हमने विजिट किया था तो उससे और अब ग्राउंड में काफी कुछ अंतर नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर टॉयलेट्स को भी नीट एंड क्लीन बनाया गया है, न्यू टॉयलेट्स बनाए गए हैं। दर्शक जो यहां पर मैच देखने आएंगे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। यह भी कहा जा रहा है कि दर्शकों के लिए पानी यहां पर फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेडियम का जो सेंटर विकेट है, मैं हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाए, यहां पर 9 विकेट्स हैं और उसमें से जो 3 मुख्य विकेट्स हैं उन पर विश्व कप के मैचेस खेले जाएंगे। 5 मैच यहां पर खेले जाने हैं। पहला मुकाबला 7 अक्टूबर को खेला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर विश्व कप का जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टेडियम में जैसे कि हर जगह आपको विश्व कप के बैनर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आईसीसी की मेज़बानी में आईसीसी और यहाँ पर बीसीसीआई की पूरी तरह से पहल की दर्शकों को एक अच्छे एनवायरनमेंट में मैच दिखाया जाए और उसके लिए पूरी तरह से कोशिश की गई है। अरुण जेटली स्टेडियम की तस्वीर पूरी तरह से बदली गई है। साथ ही आपको बता दें कि जो 10 वेन्यू हैं जहाँ पर विश्व कप के मैचेस खेले जाने हैं, 500 करोड़ यहां पर बीसीसीआई ने आवंटित किए थे कि सारे स्टेडियम्स जो हैं हर एक स्टेडियम को 50-50 करोड़ दिए गए हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से कि पूरी तरह से अच्छी तैयारियां की जाएं। और लग रहा है ग्राउंड को देखकर, नई सीट्स को देखकर, चेयर्स को देखकर कि हाँ विश्व कप के लिहाज से यहाँ पर तैयारियाँ पूरी तरह से दुरुस्त हैं। तो मुकाबले खेले जाएंगे 5 जैसे कि मैंने आपको बताया और दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, अरुण जेटली स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है विश्व कप की मेज़बानी करने के लिए और दर्शकों को एक अच्छे एनवायरनमेंट में मैच जो देखने को मिलेगा उसके लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम रहेंगे। इसके अलावा अगर हम एक बार और ग्राउंड की तरफ नज़र डालें तो पीछे मेरे यहां पर मोहिंदर अमरनाथ स्टैंड है और यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं कि ग्रीन चेयर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं और उनके बीच में सफ़ेद कलर से लिखा हुआ है DDCA। वर्ल्ड कप के सारे जो पोस्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। इधर हम देखेंगे गौतम गंभीर स्टैंड का अगर हम रुख करें तो गौतम गंभीर स्टैंड भी पूरी तरह से अलग और रेनोवेट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम रुक करें उधर तो बिशन सिंह बेदी स्टैंड है। उसके अलावा विराट कोहली पेविलियन जो है वो एक खूबसूरत और एक नए तरीके से नज़र आ रहा है। यहाँ भी बहुत सी चीज़ें रेनोवेट की गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली और दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम जो है विश्व कप के लिहाज से यहाँ पर पूरी तरह से तैयार नज़र आ रहा है। वेल, आप विश्व कप को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है? क्योंकि अगर पिच की बात करें तो यहाँ पर स्लो जो है ये विकेट है, स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है और अफगानिस्तान की टीम की अगर हम बात करें तो उनके पास स्पिन अटैक काफ़ी अच्छा है। तो ऐसे में देखना होगा कि कितना वो जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनको फाइट दे पाते हैं और कितना जो एक्साइटेड मैच है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंतजार ज़रूर रहेगा क्योंकि हमने IPL में देखा था लखनऊ सुपर जाइंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के बीच जब मैच था तो उस समय विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच एक फाइट देखने को मिली थी, एक थोड़ी गहमा गहमी वहाँ पर देखने को मिली थी, बहस हुई थी उनके बीच और उसके बाद सभी जो फैंस हैं उनको इंतज़ार है कि कब विराट कोहली और नवीन उल हक का आमना सामना होगा और वो जो एक्साइटमेंट है उसके लिए फैंस वेट कर रहे हैं। वेल, भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से करेगी, लेकिन 11 अक्टूबर को भारत का मुकाबला इसी अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के साथ खेला जाएगा। कितना एक्साइटेड है आपका, क्या लगता है आपको कि कितना ये बड़ा मुकाबला होगा, हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा या क्या प्रिडिक्ट करते हैं आप, हमें इस पर अपनी राय शेयर कर सकते हैं। और ग्राउंड का हमने आपको एक टूर कराया, आपको कैसा लगा आप इस पर भी अपनी राय हमें दीजिएगा। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुनीता, NDTV।